एक गांव में झपट्टा अपनी माँ के साथ रहता है। पूरा गांव झपट्टा की हरकतों से परेशान है। झपट्टा चारपाई पर सो रहा होता है। अरे ओ झपट्टा, कितना सोएगा? देख सूरज सर पर चढ़ाया है, अब उठ जा, तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? क्या माँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ काम की तलाश में। न जाने ये गधा कब कमाने खाने लायक होगा। मैं तो इसे समझा समझा कर परेशान हो चुकी हूँ। इसकी इन हरकतों की वजह से बहू मायके जाके बैठी है। झपट्टा अपने गधे के साथ कुछ दूर निकलता है। गांव की पाठशाला में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों, कल जो तुम्हें सीता स्वयंवर का अध्याय पढ़ाया था वो याद है ना? जी मास्टर जी, याद है। ठीक है, आज मैं इस अध्याय से तुमसे सवाल पूछता हूँ। गट्टू, ये बता, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा ये बता। माँ कसम, मैंने नहीं तोड़ा। मैंने कल सीता स्वयंवर का पाठ पढ़ाया था ना, बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। मास्टर जी सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। वो सकटुआ का बेटा है ना, बहुत बदमाश है, जरूर उसने ही तोड़ा होगा। बेवकूफ, इधर आ, मुझे गधे को इंसान बनाना अच्छे से आता है। झपट्टा पास से गुजर रहा होता है और मास्टर जी की बात सुनता है। अरे वाह, मास्टर जी को गधे से इंसान बनाना आता है, क्यों ना मैं अपने गधे को मास्टर जी से इंसान बनवा लूं। वो इंसान बनकर कमाता रहेगा और मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। झपट्टा पाठशाला में मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, आप गधे को इंसान बनाना जानते हैं? हाँ जानता हूँ, इसमें कोई शक है? मास्टर जी, आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए ना। सच के गधे को? मास्टर जी, जितने पैसे लगेंगे वो दे दूंगा, लेकिन आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। अरे तू बात को समझ क्यों नहीं रहा? आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। तू मानेगा नहीं। एक काम कर, तू अपने गधे को इस पेड़ से बांध दे और जा, 2 घंटे बाद आना। ठीक है मास्टर जी, मैं पूरे 2 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन आप इसे इंसान बना देना अच्छा, और साथ में थोड़ा पढ़ा लिखा भी देना। हाँ। जाओ आराम से जाओ और फिक्र मत करो। मास्टर जी झपट्टा के जाने के बाद गधे को खोलकर भगा देते हैं। दूसरी तरफ झपट्टा खुद से, बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ। अब तक तो मास्टर जी ने मेरे गधे को इंसान बना ही दिया होगा। झपट्टा स्कूल जाता है। मास्टर जी, मेरे गधे को आपने इंसान बना दिया? हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मास्टर जी, कहाँ है मेरा गधा, जरा मुझे भी मिलवाओ ना। अरे वो तो पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हो गया है और हमारे गांव के थाने में दरोगा भी लग गया है। क्या बात है मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी जाओ, जाकर अपने गधे से मिल लो। जी मास्टर जी, लेकिन आपकी फीस? अरे तुम फीस की बात छोड़ दो, ये तो मेरा काम है गधे को इंसान बनाना। तुम जल्दी जाओ और जाकर अपने गधे से कोतवाली में मिल लो। जी जी जी, मैं अभी जाता हूँ मास्टर जी, धन्यवाद। झपट्टा सीधा थाने में जाता है। वहाँ कोतवाली में बैठे कोतवाल को पकड़कर बोलता है, क्यों रे है बैठकर सिगरेट पी रहा है? गधे से इंसान क्या बन गया तू है? तू तो बड़े छोटों की इज्जत करना ही भूल गया रे। रे कौन है तू? हमसे कह रहा है कि हम कौन है। देखो भैया देखो, अबे तू हमें क्यों पहचानेगा अब है? रे नालायक, तू जानता है कि तू किससे बातें कर रहा है? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ है? इस वर्दी में आकर तू अपनी औकात भूल गया है? इससे अच्छा तो तू तभी था जब मैं तेरे पीठ पर सामान लादकर तेरी कमर तोड़ता था है? रे पागल, रे चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी खाल उतार दूंगा।
आज तू जिस कुर्सी पर बैठा है, है? तूने जो वर्दी पहन रखी है, इसको दिलाने वाला कौन है पता है? मैं हूँ मैं। राम राम करना तो दूर की बात है, तू तो मेरी खाल उतारने की बात कर रहा है। चल चल जल्दी से, चल तू घर चल, मैं तेरी खबर लेता हूँ। चल। अरे पागल आदमी, अरे कहाँ से आ गया ये? अबे नालायक गधे, हैं? गधे से इंसान बन गया, लेकिन लात मारने की आदत तू अभी तक नहीं भूला रे। कोतवाल झपट्टा की पिटाई करता है और उसे थाने से बाहर फेंक देता है। झपट्टा घर जाकर, माँ तू जानती है आज क्या हुआ? क्या करके आया है अब? अरे वो हमारा जो गधा है, उसको मैंने मास्टर जी से कहकर इंसान बनाया और इंसान बनकर वो हमारी ही कोतवाली में कोतवाल बन गया है। लेकिन समय देखो, इंसान बनते ही वो गधा मुझे ही भूल गया और मुझे ही मार रहा था। गधे को इंसान बनाया? क्या बकवास कर रहा है? हाँ हाँ, पाठशाला के मास्टर जी ने हमारे गधे को इंसान बनाया और उसे पढ़ा लिखा कर कोतवाल की नौकरी भी दिला दी। कहाँ है हमारा गधा, कहाँ छोड़ाया तू उसे? अरे छोड़ नहीं आया, वो तो हमारी कोतवाली में कोतवाल बन गया है। हे भगवान, एक दिन तू मुझे भी बेच देगा। माँ डंडा लेती है और झपट्टा की फिर से पिटाई कर देती है। माँ जब देखो तब मुझे मारती रहती हो, और नालायक गधा न जाने क्या क्या कहती हो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जिस दिन पैसे कमा लूंगा उसी दिन घर में वापस आऊंगा। आई ठीक है, जा मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे कमा कर लाता है। झपट्टा घर से चला जाता है। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बोलता है, अब कुछ भी करके मुझे पैसे कमाने ही होंगे, बहुत हो गया, रोज रोज माँ की पिटाई खाकर थक चुका हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कभी गधा कभी नालायक कभी बैल। अरे माँ को यही नहीं पता कि मैं गधा हूँ कि नालायक हूँ या बैल हूँ, और मुझे बेवकूफ कहती है वो। तभी गांव के बाहर उसे एक बारात जाती दिखती है। अरे हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है पैसे कमाने का, शादी तो सबको ही करनी है, हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, तो मैं लोगों की शादी कराने का ही काम शुरू कर देता हूँ। कोई मेहनत भी नहीं करनी और कमाई अच्छी है, अगर चार शादियां भी कर दी तो अच्छा पैसा बन जाएगा, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन झपट्टा एक पेड़ के नीचे एक तख्ती लगाकर बैठ जाता है, जिस पर लिखा होता है रिश्ते ही रिश्ते, हर प्रकार के रिश्ते, अपने वर्षों की अधूरी इच्छा पूरी कीजिए। एक आदमी तख्ती पढ़ता है और झपट्टा के पास आता है। महाराज जी, आपने इस तख्ती पर जो लिख रखा है वो सच है? हाँ बेटा, बिल्कुल सच है, बोलो तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? महाराज जी, मेरा नाम सुशील है और मेरी उम्र जो है वो 40 की हो गई है, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। आधी उम्र खत्म हो गई, अब शादी करेगा? क्या कहा महाराज जी? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, ये कहा कि शादी की यही उम्र बिल्कुल सही होती है। बताओ तुम्हें कैसी कन्या चाहिए, बोलो। बस कन्या जो है वो सांस ले रही हो, वो भी चलेगी? हाँ हाँ, कन्या तो है मेरे पास। तो बस अब जल्दी से मेरी शादी करा दीजिए। कब करना चाहते हो शादी? आज ही करा दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, पहले हम तुम्हें लड़की दिखाएंगे और फिर लड़की भी तुम्हें देखेगी, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लोगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी, है? फिर दोनों की कुंडलियां मिलेंगी, फिर कहीं जाकर शादी होगी। तो बस ठीक है, आप दुकान बंद कीजिए और कन्या के घर चलिए, अभी कन्या से मिल लेते हैं। अरे तुम तो उतावले ही हुए जा रहे हो, है सबर करो। ठीक है, फिर आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, पहले फीस जमा करो। कितनी फीस जमा करनी होगी? 100 रुपए। अभी लीजिए महाराज, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, बस विवाह नहीं हो पाया। चिंता ना करो, अब तुम हमारे पास आ गए हो तो तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देंगे, हैं?
सुशील 100 रुपए झपट्टा को देता है और दूसरे दिन आने की बात कहकर चला जाता है। झपट्टा अपने घर जाता है। माँ देखो मैं आ गया। आ गया, हो गया गुस्सा ठंडा। माँ संभाल कर बोलो, अब मैं कमाने लगा हूँ। तू कमाने लगा है? हाँ हाँ मैं कमाने लगा हूँ, ये लो 100 रुपए, मेरी पहली कमाई। 100 रुपए? ऐसी कौन सी कमाई कर रहा है जो पहले दिन 100 रुपए मिल गए? मुझे भी बता ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया तूने? दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे से बताऊंगा है। झपट्टा माँ को सारी बात कान में बताता है। माँ बड़ी खुश होती है। मुझे तुम पे गर्व है, आखिरकार तूने सही रास्ता निकाल ही लिया। भगवान खूब तरक्की दे तुझे। ऐसे ही तू 100 के 1000, 1000 के 5000 और 5000 के 5 लाख बनाए और मुझे देता रहे। दूसरे दिन झपट्टा अपनी दुकान पर बैठा होता है। दूर से उसे सुशील आता दिखता है। अरे ये नास पीटा फिर से आ गया, लगता है ये शादी करके ही मानेगा। राम राम महाराज जी, मैं आ गया, चलिए लड़की देखने चलते हैं। हाँ हाँ सबर करो सबर करो, चलते हैं चलते हैं, लेकिन आज नहीं चलेंगे, आज लड़की अपने मामा के घर गई है। ठीक है महाराज जी, मैं कल आता हूँ। है माँ ये सुशील तो पीछे ही पड़ गया, 100 रुपए क्या दिए, लगता है शादी करके ही रहेगा। तो करा देना उसकी शादी। शादी कहाँ से करा दूँ, लड़की बगल में रखी है क्या? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कल वो सुशील का बच्चा फिर से आएगा और उसे दिखाने के लिए मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है। इसमें क्या परेशानी है, लड़की सिर्फ दिखानी ही तो है, ये तो मुझ पे छोड़ दे। माँ झपट्टा के कान में कुछ कहती है। दूसरे दिन झपट्टा सुशील को अपने घर ले आता है। सुशील भाई बैठो, हैं यहाँ तक आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैं तो रास्ते भर अपने होने वाली पत्नी के बारे में सोचता रहा और पता ही नहीं चला भैया कि कब मंजिल आ गई। बैठो बैठो, कन्या अभी आती है। हाँ महाराज जी, जल्दी बुलाइए कन्या को, जल्दी से, अब सबर नहीं होता। अरे सबर कर सबर कर। झपट्टा घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को घूंघट डालकर सुशील के सामने ले आता है। ये लीजिए पानी। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, अपनी नाजुक हाथों को इतना तकलीफ मत दीजिए, आप बैठ जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। नाम में ही सुंदरता भरी हुई है, आहा, तुम तो सुंदरता की मूरत लगती हो। सुंदरी घूंघट में हंसने लगती है। ये रही कन्या है, और तुम भी देख लो ये सुशील है। कन्या की लंबाई चौड़ाई तो अच्छी है, अब ऐसा है महाराज, मैं सोचता हूँ कि कन्या से लगे हाथों कुछ बात ही कर लेता हूँ। है ठीक है, बैठ जाओ, बातें कर लो। नहीं नहीं आपके सामने नहीं भाई, आप तो पराए मर्द हैं, तो हम अकेले में कुछ बात करना चाहेंगे। अबे साले हैं, मैं पराया हूँ क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है और तू इसका सगा है। अरे मेरे सामने कर लो, मैं कौन सा तुम्हारी बातें पेपर में छपवाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं हम उधर बगीचे में जाते हैं। साला मेरे सामने मेरी माँ को बगीचे में ले जा रहा है, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती, खोट है इसकी नीयत में। सुशील झपट्टा की माँ को लेकर बगीचे की तरफ चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। सुशील थोड़ी देर बात करने के बाद, अब मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए बनी हो, तुम्हारे ही इंतजार में मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर अपना ये चांद सा मुखड़ा मुझे दिखा दो। नहीं नहीं अभी कैसे दिखा दूं? तो कब तक सब्र करूं? जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते। अभी कर लेता हूँ, चलो महाराज के पास। झपट्टा वहीं पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था और बीच में बोलता है,
नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती, अभी कन्या के परिवार से बात करनी बाकी है, पंडित से बात करना बाकी है, कुंडली मिलवाना बाकी है, बड़े काम बाकी है। महाराज जी, अब आप जल्दी से जल्दी ये सारे काम कर दीजिए, मुझे सब्र नहीं होता। काम तो कर दूं, लेकिन उसमें पैसे खर्च होंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे खर्च करिए, बस अब ये रिश्ता जल्दी कर दीजिए। ठीक है, तो 11,000 रुपए। सुशील पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये लो माँ, पूरे 11,000 रुपए। मुझे बेवकूफ समझती थी, देखा मैं कितना समझदार हूँ। हाँ, तू सच कह रहा है, मेरी ही आंखें तुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन अब ये बता, ये फिर आएगा तो तू क्या करेगा? उसका भी इलाज है मेरे पास माँ। 2 दिन बाद सुशील फिर से आधमकता है। क्यों भाई महाराज जी, हो गई बात पक्की है? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की हो गई। तुम कल बारात लेकर आ जाओ। महाराज जी, मैं तो जिंदगी भर आपके पैर धो के पीऊंगा। हाँ 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 बेटा, बस तुम कल बारात लेकर आओ और तुम्हारे सारे इंतजार की घड़ियाँ खत्म। दूसरे दिन सुशील बारात लेकर आता है। झपट्टा अपनी माँ को नींद की दवा देकर घूंघट डालकर सुशील के साथ फेरे करा देता है। तभी झपट्टा की माँ बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती है। कितनी नाजुक लड़की है, ससुराल जाने के नाम से बेहोश ही हो गई। सुशील, तुम इसे संभाल कर ले जाओ है, और इसका ध्यान रखना। अच्छा जी जी महाराज जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। देख माँ, तू मुझे हमेशा नालायक गधा और न जाने क्या क्या कहती थी ना, आज तो मैंने तेरा ही काम कर दिया, अब देखता हूँ कैसे मारेगी मुझे तू है। दूसरी तरफ सुशील के घर पहुंचकर रात को जब झपट्टा की माँ को होश आता है तो वो सुशील को सामने बैठा देखकर घबरा उठती है। मैं कहाँ हूँ? आराम से, तुम परेशान मत हो यशोदा, हमारी शादी के वक्त तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए हमारी विदाई तुम्हारी बेहोशी की हालत में करनी पड़ी। अब तो तुम मुझे अपना ये चांद सा मुखड़ा दिखा दो ना। मुखड़ा? मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो और मेरी बेचैनी को दूर कर दो। तुम खुद ही देख लो, मैं तुम्हें क्या ही दिखा दूं। सुशील सुंदरी का घूंघट हटाता है और उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। सुंदरी वहां से उठती है और सीधा अपने घर जाती है, जहां झपट्टा माँ की विदाई करके नाच रहा होता है। कैसा कपूत है ये, अपनी माँ की शादी किसी और से करा के जश्न मना रहा है। ये किसने मारा? एक को तो मैंने किसी तरह यहाँ से भगाया था, क्या तू फिर आ गई? तू मेरा बेटा है तो मैं तेरी माँ हूँ, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब तक तू सुधरेगा नहीं तब तक तू डंडे खाएगा। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, मत मारो, लग जाएगी। अरे अरे अरे, अरे, अरे मैं अच्छे से जानता था कि तुम्हें देखते ही वो बेहोश हो जाएगा। अरे अरे अरे, बचाओ। इस तरह झपट्टा को अभी भी माँ के डंडों से छुटकारा नहीं मिलता।